गेल्या 21 दिवसापासून जी अस्थिरता चाललेली आहे ती संपवण्याकरता आणि महाराष्ट्राला स्थिर सरकार देण्याकरता आज काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रदीर्घ चर्चा झाली. चर्चा अतिशय सकारात्मक होती. चर्चा अजून चालू आहे आणि लवकरात लवकर आज किंवा उद्या ही चर्चा चालू राहणार आहे आणि मला खात्री आहे की लवकरात लवकर महाराष्ट्रामध्ये एक स्थिर आणि लोकाभिमुख सरकार स्थापन होईल आणि गेले 20-21 दिवस जी अस्थिरता चालू होती ती संपुष्टात येईल. ही पहलुओं पर चर्चा हो रही है और चर्चा काफी सकारात्मक वातावरण में हुई है और अभी चर्चा चालू है. कुछ अंश कुछ विधियों पे भी और चर्चा चल रही है. शिवसेना के साथ गठबंधन करने पे सैद्धांतिक तौर पे सहमति हो गई है? देखिए सारी चीजों पे अभी बातचीत चल रही है. जैसे बातचीत समाप्त होगी पूरी डिटेल ब्रीफिंग आपको दी जाएगी. दरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी सरकार लवकरात लवकर बनणार असल्याचा दावा केला. महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से राष्ट्रपति शासन होने के कारण महाराष्ट्र में प्रशासन पूरी तरह से ठप है. किसानों को मदद मिलनी चाहिए, किसानों को मदद नहीं मिल पा रही है. कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में एक चुनी हुई सरकार बने इसका प्रयास हो रहा है. आज राष्ट्रवादी कांग्रेस कांग्रेस के नेताओं के बीच में बैठक हुई. एक पर्यायी सरकार निर्माण करने के लिए सभी बिंदुओं पर हमने चर्चा की है. चर्चा और कुछ समय तक चलेगी. जल्द ही हम मिलने वाले हैं. निश्चित रूप से तीन पार्टियों को साथ में आए बिना महाराष्ट्र में कोई सरकार बन नहीं सकती. कांग्रेस NCP और शिवसेना को साथ में लाए बिना कोई पर्यायी सरकार नहीं बनेगी. निश्चित रूप से सकारात्मक चर्चा हुई है और जल्द ही महाराष्ट्र में एक पर्यायी सरकार निर्माण होगी और वो 5 साल चलेगी. हमारा देखिए सरकार हम जल्द बनाने जा रहे हैं. तीन पार्टी साथ में आए पर्यायी सरकार ने इन बिंदुओं पे चर्चा हुई है और जल्द ही इसका निर्णय करके हम जल्द से जल्द महाराष्ट्र में एक पर्यायी सरकार निर्माण करेंगे.